नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जून, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी ने गठबंधन को बताया ठग्स ऑफ गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षियों को नसीहत देते हुए कहा पीएम मोदी के सामने अभी कोई चुनौती नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को बताया व्यर्थ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस जवाब पर कसा दंच। शरद पवार ने मणिपुर हिंसा को लेकर कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सम्राट चौधरी ने गठबंधन को बताया ठग्स ऑफ गठबंधन। सम्राट चौधरी ने विपक्षी एकता की बैठक पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। भारत की राजनीति में ये ठग्स ऑफ गठबंधन है, पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि यह समझिए कि कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आगे उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज ले जाकर सीएम नीतीश कुमार को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, मैं व्यवस्था कर देता हूं। किस तरह पुल ध्वस्त होता है यह दिखाना चाहिए। इन लोगों को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा। सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सारे लोग सपना देखने के लिए पटना आ रहे हैं। ममता ने लालू यादव से मुलाकात के दौरान पैर छूकर लिया आशीर्वाद। विपक्षी एकता के अहम बैठक से ठीक एक दिन पहले ही ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी थी। यहां आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर एक वीडियो भी सामने आया, जहां वीडियो में ममता बनर्जी लालू यादव के पैर छू आशीर्वाद लेती नजर आ रही। यहां उन्होंने राबड़ी देवी को उपहार में साड़ी भी दी। इसके साथ ही लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव को तोहफे के साथ सम्मानित भी किया। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी की नीतीश या लालू परिवार से क्या बातचीत हुई और मुलाकात कितनी अहम और सफल रही, अभी तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई है। लिहाजा ममता बनर्जी विपक्षी एकता में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लालू जी अभी भी बहुत तगड़े हैं, भाजपा के खिलाफ अच्छे से लड़ सकते हैं। बता दें कि इस दौरान ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक भी मौजूद थे। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पटना से लखीसराय जा रहे थे, इसी क्रम में उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। सरकारी गाड़ी में बार बार इस तरह की गड़बड़ी सामने आने पर वे बिहार सरकार से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के वे पूर्व अध्यक्ष हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उन्हें प्राप्त है, लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट मिनिस्टर का जो दूसरे को फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं करवा रही। इस वजह से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह फैसिलिटी नहीं चाहिए। एक सरकारी गाड़ी सरकार ने दिया है, वो भी रास्ते में बंद हो रही। बार बार गाड़ी खराब होने से परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि गाड़ी सरकार को वापस कर देंगे, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षियों को नसीहत देते हुए कहा पीएम मोदी के सामने अभी कोई चुनौती नहीं। जदयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा का विपक्षी बैठक को लेकर एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना सिर्फ नकारात्मक को आधार बनाकर विपक्षी एकता से जुड़ी बैठक का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के घिसे पिटे प्रयोग के परिणाम से जनता पहले से वाकिफ है। 1977 और 1989 में इस प्रकार के प्रयोग का हश्र जनता देख चुकी है। मेरी समझ से ऐसे किसी प्रयोग पर जनता तभी भरोसा कर सकेगी जब नए और सकारात्मक वैकल्पिक मॉडल के साथ किसी बड़े दल के भरोसेमंद नेता के नेतृत्व का स्वीकार कर छोटे और क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़े हो। आगे उन्होंने कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि शायद भविष्य में राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अभी और तपना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। सुशील मोदी ने विपक्षी दलों पर लगाए ये आरोप। जहां विपक्षी एकजुटता पर सभी विपक्षी आज एक जगह पटना में गोलबंद हुए हैं, इससे लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में लगे आपातकाल की चर्चा करते हुए कहा कि देश में आपातकाल लगाने वाले जेपी को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, प्रेस को आजादी पर अंकुश लगाने वालों को जेपी की धरती कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता वाले दलों का परिवार खतरे में है, ये अपने अपने परिवार की राजनीति को बचाने में लगे हैं। जीतनराम मांझी ने बताया पीएम मोदी के व्यक्तित्व जैसा कोई दूसरा पीएम उम्मीदवार नहीं। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए में शामिल होने के बाद दिल्ली से पटना आ चुकी है। पटना आते ही जब मीडिया द्वारा उनसे विपक्षी एकता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल के इस बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत उम्मीदवार है, लेकिन ये एक बैठक में तय नहीं हो पाएगा। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में अभी प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी देश में नरेंद्र मोदी के सामने उनके जैसे व्यक्तित्व वाला दूसरा कोई नहीं है जो पीएम पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस जवाब पर कसा तंज। अमेरिकी पत्रकार ने पीएम मोदी से भारत को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा कि भारत लोकतंत्र को जीता है। यहाँ धर्म के, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत की सरकार संविधान से चलती है और इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने ट्वीट करके जरिए कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री का जवाब इतना कमजोर, अगर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अपने राजधर्म को निभाया होता तो आज वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दहाड़ सुनाई देती। वो सीना ठोक कर और हुंकार भर के अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा पर जवाब देते। बीजेपी ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को बताया व्यर्थ। अमेरिका में पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे संबोधन को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रेरित प्रश्न की पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पीएम ने अपने जवाब में मुसलमानों या किसी अन्य संप्रदाय का उल्लेख नहीं किया। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा व्यर्थ थी, कोई भी संबंधित व्यक्ति इसमें नहीं आया, कांग्रेस अपने आंसू बहा सकती है। शरद पवार ने मणिपुर हिंसा को लेकर कही ये बात। मणिपुर में हुई हिंसा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही, इसे लेकर शरद पवार का बयान सामने आया है। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर पटना पहुंचे शरद पवार ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पटना की इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हम देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए पटना में ये बैठक कर रहे हैं। बता दें कि अभी देश की राजनीति का बिहार केंद्र बन चुका है, जिसकी पहल नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को कही ये बात। अभी विपक्षी एकता अपने पायदान के पहले सीढ़ी पर चढ़ी रही थी कि उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार नजर आने लगी, जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन लेना चाह रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे लेकर अपना कुछ खास रुख सामने नहीं रख रही। अब केजरीवाल की इस मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं होता, यह अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सदन चलेगा तो इस मुद्दे पर सभी पार्टियां मिलकर एजेंडा तय कर उस दिशा में काम करेगी। बीजेपी के सम्राट ने नीतीश और विपक्षियों पर लगाए आरोप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चल रही विपक्षी एकता और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज लूटिंग इंडिया वाले लोगों की बैठक हो रही है, ये लोग ब्रेकिंग इंडिया करने वाले लोग हैं। इस बैठक में सिर्फ वही लोग शामिल हो रहे हैं जिन पर पहले से ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस बार भी देश में भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि आज बलिदान दिवस है, भाजपा के लोग बलिदान दिवस मनाने का काम करते हैं, यह अपने आप में एक प्रतीक है कि कांग्रेस किस तरह लोगों को बांटने का काम किए थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस का डीएनए बिहार में बताया। विपक्षी एकता से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से काटा जा सकता है, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। कांग्रेस का डीएनए बिहार में है। आगे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने काफी मदद की है, कहीं भी जाता था और लोग मिलते थे तो पूछने पर पता चलता था कि वो बिहार से हैं। एमके स्टालिन को देख बीजेपी ने बिहार सरकार को बाबा बागेश्वर की दिलाई याद। बिहार में विपक्षी एकता के लिए देश भर से कई विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है। अब इसी दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्हें एक गाड़ी में बिना सीट बेल्ट बांधे देखा गया। इसे लेकर भाजपा राज्य सरकार और पटना पुलिस पर जमकर हमलावर है। दरअसल ट्विटर के जरिए भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बार बार देखिए, हजार बार देखिए, राजा का बेटा राजा करेगा, लोकतंत्र का अपमान करेगा, लालू जी के गोदी नेता नीतीश जी के राज में राजपुत्रों को ट्रैफिक रूल्स में छूट है क्या, बाबा बागेश्वर पर सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर फाइन किया था, अब तुम्हारी नीति नैतिकता कहाँ है। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर साधा निशाना। पटना में चल रहे विपक्षी एकता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सारे नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है, आप कितने भी हाथ मिला लो आप लोग एक साथ नहीं आ सकते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि अमित शाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए ये सभी कहा कि विपक्ष के पास हमारे 9 साल की सरकार कोई भी आरोप नहीं लगा सकती है कि हां घोटाला हुआ है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पोस्टर वॉर।
बीजेपी विपक्षी एकता को लेकर लगातार पोस्टर वॉर करती नजर आ रही। इसी दौरान बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर भाजपा कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना देवदास फिल्म से की गई है। इसमें राहुल गांधी का मखौल बनाते हुए उन्हें देवदास के रूप में दिखाया गया है। साथ में ही इसमें लिखा गया है कि ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी यानी राहुल गांधी राजनीति छोड़ दो। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा मेरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज विपक्षी एकता का महाजुटान देखने को मिला, आपके अनुसार विपक्षी दलों की यह बैठक कितनी सफल रहेगी? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।